दोस्तों, MS धोनी को भारत का कोच बनाने पर गौतम गंभीर ने दिया बड़ा बयान, जहां गौतम गंभीर ने कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाओगे पूरी तरह हैरान। तो आखिरकार क्या है पूरी खबर? गौतम गंभीर ने धोनी को कोच बनाने पर क्या बड़ा बयान दिया, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी धोनी के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 209 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वहीं दोस्तों, अब इसी के साथ ये टीम इंडिया की लगातार नॉकआउट मुकाबलों में 9वीं हार है, जहां भारतीय टीम ने पिछले 10 सालों में अभी तक कोई भी ICC का खिताब अपने नाम नहीं किया है। वहीं भारतीय टीम की इस हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों और टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ पर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब धोनी को कोच बनाने पर भी काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि धोनी का ICC ट्रॉफी के साथ काफी अच्छा नाता है। वहीं दोस्तों, अब धोनी को कोच बनाने पर गौतम गंभीर ने अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर जाहिर कर दी है, जहां गंभीर ने बात करते हुए बताया कि धोनी एक महान खिलाड़ी है। वो एक शानदार खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन लीडर है, जो कि टीम इंडिया को संभाल सकते हैं। आगे गंभीर ने कहा, अगर धोनी टीम इंडिया से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का ICC ट्रॉफी जीतना भी लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि धोनी को पता है कि बड़े मैचों में प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। वहीं धोनी अगर टीम से बतौर कोच नहीं तो बतौर मेंटोर के रूप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि धोनी के टीम इंडिया से जुड़ने से ड्रेसिंग रूम का माहौल भी काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी धोनी के साथ काफी क्रिकेट खेल चुका हूं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या धोनी को टीम इंडिया का कोच बनाना चाहिए या नहीं? आप इसकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।